जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। लड़ोगे? तो दोस्तों, पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार और इंडियन हिस्ट्री के बाहुबली यानी कि प्रभास की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड आदि पुरुष आज इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपने 9 दिन पूरे करने जा रही है। और इन 9 दिनों में इस फिल्म ने क्या अपने बॉक्स ऑफिस की रिकवरी करी है या नहीं, इस फिल्म ने आज कौन कौन सी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो पाएगी भी या नहीं, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि आदि पुरुष रामायण से प्रेरित होने वाली एक फिल्म है जिसके लीड में आपको प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान, देवदत्त नागे और सनी सिंह नजर आए हैं। डायरेक्शन किया है इस फिल्म का ओम रावत ने और दोस्तों इस फिल्म पर पैसा लगाया है टी सीरीज ने ही दोस्तों इस फिल्म पर इतना पैसा लगाया है और इस फिल्म का इतना प्रमोशन किया है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताने चले आपको कि ओम रावत के डायरेक्शन में बनने वाली ये एपिक हिस्ट्री फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 6200 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी, जिसका पोटेंशियल तो 2000 से 3000 करोड़ रुपए का दुनिया भर से कमाई करने का था। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के रिव्यूज इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से मिले हैं, ये फिल्म दोस्तों फिलहाल में अपने बजट की रिकवरी करती हुई भी नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर बात की जाए बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों अपने पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल ओपनिंग ली और 140 करोड़ रुपए कमाए। दूसरे दिन दोस्तों इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाए और अपने तीसरे दिन भी दोस्तों ये फिल्म 100 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। जिस तरह की ओपनिंग दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिली है, इतना यकीन हो चुका है कि प्रभास का स्टारडम ऑल ओवर इंडिया में काफी ज्यादा है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म को जिस तरह से ऑडियंस देखने जा रही थी, उस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म सारे रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती थी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर इस फिल्म के टोटल की, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के डायलॉग्स और इस फिल्म की राइटिंग को लेकर कई सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया है और यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर कई जगहों पर तो बैन करने की भी मांग चल रही है, तो बहुत सारे सिनेमाघरों में दोस्तों इस फिल्म को हटा भी गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना चले कि विंगडेक्स में इस फिल्म ने जहाँ अपने चौथे दिन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 35 करोड़ रुपए तो कमा लिए, लेकिन दोस्तों अपने पांचवे दिन इस फिल्म के कलेक्शंस में एक डाउनफॉल देखने को मिला और इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपए कमाए। अपने छठे दिन दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस 15 करोड़ के ही रहे, तो वहीं दोस्तों अपने सातवें दिन इस फिल्म ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए ही कमाए। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो अपने फर्स्ट वीक का दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर जहाँ 420 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका, वहीं दोस्तों हिंदी बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कलेक्शन अपने फर्स्ट वीक का ही 135 करोड़ रुपए का रहा। अब अगर बात की जाए इस फिल्म के सेकेंड वीक की, तो दोस्तों इस हफ्ते इस फिल्म के सामने कोई भी बड़ी फिल्म नहीं है और यही वजह है दोस्तों कि आदि पुरुष अपने दूसरे हफ्ते में भी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह का दोस्तों ड्रॉप इस फिल्म का विंगडेक्स में देखने को मिला था, उसी तरह की कमाई ये फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में कर रही है और आज दोस्तों इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर यह 9वां दिन है। कल दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं को मिलाकर लगभग 4 करोड़ रुपए की ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस से की है। दुनिया भर से दोस्तों इस फिल्म के कल के कलेक्शंस 7.5 करोड़ रुपए के रहे हैं। तो वही दोस्तों आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 9वां दिन है और आज इस फिल्म की जो एडवांस है वो 1.5 करोड़ रुपए की है। ये फिल्म दोस्तों हिंदी में आज लगभग 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच कर रही है और उम्मीदें हैं कि 3.5 करोड़ रुपए की कमाई भी ये फिल्म आज हिंदी में कर सकती है। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नाड़ा को मिलाकर इस फिल्म के आज ऑल ओवर इंडिया से जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन है वो 6.5 से 7 करोड़ रुपए के आ रहे हैं। तो वही दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 9 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो दुनिया भर से 439 करोड़ रुपए का हो चुका होगा और फाइनली दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार प्रभास की तीसरी हाइस्ट ग्रोसर फिल्म साहो के 435 करोड़ रुपए को पीछे कर चुकी होगी। साथ ही साथ दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस और किक जैसी बड़ी फिल्मों को भी पीछे कर चुकी होगी। उम्मीदें हैं दोस्तों कि अब ये फिल्म जल्द ही 500 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल हो जाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या प्रभास की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए की भी कमाई कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड